तो लास्ट सेशन में हमने फंक्शन डिस्कस किया। यस सर, कोई क्वेश्चन वगैरह है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। देखो, लास्ट सेशन में हमने फंक्शन डिस्कस किया था। फंक्शन इज व्हाट? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी रीयूज। एक ऐसा, सपोज आपके पास मोर देन वन लाइन ऑफ कोड है, आप उसको एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब भी आप उन कोड्स को रीयूज करना चाहो तो आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने फंक्शंस बनाए थे। तो ये फंक्शन का सेशन टू है। ठीक है, इसमें हम सीखने वाले हैं फंक्शन और कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन बनाए थे कैसे? हमने सपोज दो नंबर का सम करना है, सो व्हाट वी डू, हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया। और फंक्शन हमने पढ़े थे दो तरह के होते हैं, एक पैरामीटराइज एक नॉन पैरामीटराइज। तो फिलहाल मैंने एक पैरामीटराइज फंक्शन बनाया। टोटल कितने पैरामीटर्स हैं? टू पैरामीटर्स। ए और बी को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। नाउ मेन फंक्शन बनाया, और इधर एक हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लिया बिकॉज प्रिंट एफ वगैरह यूज करेंगे हम। अब ये सम फंक्शन में लॉजिक लिखेंगे इसका। ठीक है, कि हम दो नंबर का सम करना चाहते हैं, दो नंबर हम रिसीव करेंगे कहीं से भी, जो भी सम फंक्शन को कॉल करेगा। लेट्स सी कि इधर से कॉल करते हैं। हमने कॉल किया 10 20, और ये 10 विल बी स्टोर इन साइड ए, 20 विल बी स्टोर इन साइड बी, राइट। और हमने इसका क्या किया? सम कर दिया। हमने लिखा सम इज एंड व्हाट वी रिटन, ए प्लस बी। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इट विल प्रिंट सम इज, ए प्लस बी की वैल्यू किधर आ जाएगी? परसेंट डी के प्लेस पे। परसेंट डी क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। मैंने इसको सेव किया, और सी का प्रोग्राम जब आप सेव करते हैं तो किस नाम से सेव करते हैं? नाम कोई भी हो, एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। और इसे रन किया और हमें आउटपुट क्या मिला? सम इज 30, बिकॉज हमने 10 पास किया था, वो ए में स्टोर हो गया, 20 बी में स्टोर हो गया, 10 प्लस 20 इज 30, सम इज 30, राइट। तो ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया जो हमने ऑलरेडी बनाया भी था। अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो वैल्यू जो आप पास कर रहे हो आर्ग्यूमेंट्स, तो हमने दो पैरामीटर्स हैं तो दो आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने पड़ेंगे फंक्शन के अंदर। पैरामीटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड्स कि वो फंक्शन बाहर से वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं, राइट। नाउ अब मैं जिस फंक्शन की बात करने वाला हूं, इधर लिखा हुआ है void। void का मतलब क्या होता है? void का मतलब होता है empty, means ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू इधर रिटर्न नहीं करेगा। मीन्स मैं अगर रिसीव करना चाहूँ कुछ वैल्यू तो आई विल नॉट गेट इन टू एक्स, दिस इज अ कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज हमने इधर क्या लिख रखा है? void। void का मतलब सम फंक्शन कॉल करोगे तो आपको बैक कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बैक वैल्यू मिले जब मैं सम को कॉल करूं, तो सम कोई टास्क परफॉर्म कर दे और टास्क परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट हमें दे दे बैक एक्स के अंदर। तो ये काम कैसे करो? तो वॉइड की जगह पे आप जिस टाइप की वैल्यू रिजल्ट में देना चाहते हो, एक्स में देना चाहते हो, वो लिखोगे। और इसको मैंने कमेंट किया और इधर लिखा रिटर्न ए प्लस बी। ए और बी को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किधर मिल जाएगी? एक्स में। यानी ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो फंक्शंस डेटा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो void के अलावा आप इधर कोई भी रिटर्न टाइप दोगे तो यू मस्ट रिटर्न सम वैल्यू। तो आपको रिटर्न कीवर्ड भी यूज करना पड़ेगा अगर आपने void के अलावा कोई भी रिटर्न टाइप दिया।
ठीक है, तो लेट से एक्स को प्रिंट करा दो इधर, तो दिस इज अनदर वे टू मेक फंक्शन, आउटपुट वही आएगा, सेम आएगा, बट आप दो तरीके से फंक्शन बना सकते हैं, एक फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करता और एक फंक्शन जो कुछ रिटर्न कर सकता है, वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, गॉट इट? ओके, नाउ एक और फंक्शन बना लेता हूं इसी पे बेस्ड, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे सपोज एवरेज निकालना है, ठीक है, मेरे पास सपोज नंबर ऑफ मेल्स है, नंबर ऑफ फीमेल्स है, उनके एवरेज निकाल, एक फंक्शन बनाया, इसमें मैं नंबर ऑफ मेल्स दे देता हूँ, मेल ये वेरिएबल के नाम है तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ आप स्पेसेस वगैरह यूज नहीं कर पाओगे, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ आप क्या यूज कर पाओगे, अंडरस्कोर, मतलब मेल अगर नाम लिखते हो, कोई वेरिएबल का नाम लिखते हो या फंक्शन का नाम लिखते हो, तो आप लेटर्स तो सारे यूज कर पाओगे, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर पाओगे आप, अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, ना ही स्पेस, ना ही परसेंटेज, ठीक है। नाउ तो इधर से हम रिटर्न क्या करेंगे, एनीवन, ए प्लस, सॉरी, मेल प्लस फीमेल, एवरेज कैसे निकलता है, हाँ, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, टू, तो हमें एवरेज मिल जाएगा। लेट्स कॉल, इधर से कॉल किया कि थे एबीजी को, तो हमें एवरेज रिजल्ट भी मिलने वाला है, क्योंकि एबीजी फंक्शन हमें रिटर्न करेगा वैल्यू, इसीलिए एक वेरिएबल ले लिया एबीजी। सपोज नंबर ऑफ मेल है 5 और नंबर ऑफ जो है फीमेल्स है 11, ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा एवरेज तो क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, 11 प्लस 5 कितना होता है, 5 चला जाएगा मेल के अंदर, 11 विल बी स्टोर इनसाइड फीमेल, तो 5 प्लस 11 टोटल हो जाता है 16, एंड 16 डिवाइड बाय 2 8, यानी एवरेज में आ जाएगा 8 और इट विल प्रिंट एवरेज इज 8, राइट, इसको रन किया, एवरेज इज 8। अभी एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, आउटपुट जो है सम इज 32, एवरेज इज 8, ठीक है, व्हाई इट इज कमिंग इन सिंगल लाइन, सो इधर आप एक न्यू लाइन दे दो, न्यू लाइन इज यूज्ड फॉर टू चेंज द लाइन, राइट, नाउ क्लिक ऑन सेव, सम इज 30, एवरेज इज 8, मीन्स हम इजिली सक्सेसफुली क्या कर पा रहे हैं, सम नंबर का सम भी कर पा रहे हैं, एवरेज भी निकाल पा रहे हैं, सो गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन। यहीं पे मेन फंक्शन के अंदर अगर यूजर से इनपुट लेना हो तो डिक्लेयर वर्ड मेन के अंदर करेंगे, इनपुट वाला जो लेना होता है, अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, राइट, तो देखो यूजर से इनपुट लेना तो मेन के अंदर ही लिखना पड़ेगा, करके देखें, ठीक है, कर सकते हो आप, इसलिए मैंने सम नहीं करना, सपोज एवरेज ही निकालना, तो मैंने इधर एक वेरिएबल लिया, सपोज एम मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, फिर क्या लिखा इधर, एंटर नंबर ऑफ मेल, और मेल की वैल्यू हम यूजर से लेंगे, यूजर से लेने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं स्कैनर, कैसी वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, टी मतलब डिजिट, डिजिट लेनी है और उसे किसमें स्टोर कर देना है, और ऐसे ही हमें एक फीमेल के लिए भी डेटा लेना होगा कि नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, ले लिया स्कैनर परसेंट डी, और इधर क्या कर दिया, एफ में वो डेटा स्टोर कर, नहीं, दो डेटा आएगा हमें कीबोर्ड से मिलेगा, और उस डेटा को हम
एम और एफ में स्टोर कर लेंगे, और एम और एफ को किधर पास कर देंगे, इधर। एक बार रन करके चेक करें, यानी अब हमारा प्रोग्राम हार्ड कोडेड नहीं रहा, मतलब अब यूजर से हम लेंगे टोटल कितने हैं, 11 सपोज मेल है, 5 फीमेल है, रिजल्ट इज 8। मींस अब हमारा प्रोग्राम किसी भी इनपुट के लिए वर्क करना शुरू कर देगा। मैंने लिखा 12 मेल है और सपोज 5 फीमेल, 8 टोटल। कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है इधर, क्या गड़बड़ है? 12 प्लस 5 कितना होता है, 17, और 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8.5, जबकि इंट जो है वो क्या स्टोर करता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज। तो क्या करें, इधर फ्लोट कर दें और डी की जगह पे इधर एफ लिख दें, एफ ऑफ फोल्ड, फ्लोट फ्लोट। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। रिसीव आई मीन एवरेज तो इन की अभी डिक्लेयर्ड है ना, राइट। तो क्यों नहीं सॉल्व हुई, बिकॉज दो इंटीजर का कैलकुलेशन जो होता है हमेशा इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो ये भी फ्लोट ले लूं, तो अब ये फ्लोट ले लूंगा तो किसी ने यूजर का वैल्यू, मेल की वैल्यू 3.5 डाल दी तो अगर डाल दिया तो 3.5 यूजर के पास है तो डाल सकता है, यूजर के पास सॉफ्टवेयर है, यूजर जानबूझ के भी डाल सकता है। नहीं वो नीचे फ्लोट कंसीडर कर लेंगे, लास्ट टाइम जो आपने बताया था एवरेज एमएफ जहां लिखा है उसी को फ्लोट। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो मेल फीमेल पर डिवाइड बाय 2 करते हो, यानी कोई भी कैलकुलेशन इंटीजर पे करते हो तो इंटीजर रिजल्ट आता है। आप अगर चाहते हो कि वो डेटा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, यानी पॉइंट की वैल्यू ट्रंकेट ना हो, तो आप इधर एक डबल ब्रैकेट लगाओ, इसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। हमने इंट का डेटा किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में। टाइप कास्टिंग का मतलब कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा, ठीक है। अब डेटा, अब आपको रिजल्ट सही आना चाहिए, लेट्स चेक। स्टिल प्रॉब्लम, उधर फ्लोट डिक्लेयर करा हुआ है। देखो प्रॉब्लम ये है कि इधर भी तो हम पास क्या कर रहे हैं, एवरेज फंक्शन आपने जहां डिक्लेयर करा उसको फ्लोट डिक्लेयर कर इधर एंड कर देते हैं, मेल फीमेल पास किया, इधर हमें फ्लोट सबसे ऊपर इधर 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 रिसीव जो कर रहे हैं डेटा हमें किसमें मिल रहा है, फ्लोट में ना, तो फ्लोट में रिसीव करना है। अब जाके रिजल्ट आया आपका 8.5। अगर मैं इसे हटा दूं तो लेट्स चेक, कहां से आ गया 8.0। रिजल्ट तो फ्लोट में आ रहा है बट वो पॉइंट की वैल्यू ट्रंकेट हो गई, उसे अगर बचाना चाहते हो तो टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट की वैल्यू ट्रंकेट होने से पहले हमें उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देना और रिटर्न कर देना, ठीक है। तो वैल्यू आपकी सेव हो जाएगी और इस एवरेज को मिल जाएगी, है ना। तो हमारा काम हो गया, अच्छा पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 6 और ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, हर एक फ्लोट के पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होते हैं। आप चाहते हो कि नहीं पॉइंट के बाद 2 ही आए, तो आप क्या लिखेंगे, पॉइंट 2 लिख दिया, दैट्स इट, यानी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स आएंगे आपके सामने। राइट तो फंक्शन आप ऐसे बना सकते हो बहुत सारे, किसी भी काम के लिए क्या बना लो, फंक्शन बना लो। तो जब जब मुझे एवरेज निकालना होगा तो एक बार एवरेज का कोड लिख दिया एंड दैट इज गोइंग टू बी रीयूज अगेन एंड अगेन, है ना। कल हमने एक फंक्शन बनाया था चेक प्राइम, यानी हम नंबर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या बता देगा, प्राइम नंबर
है नहीं है, ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर चेक किया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। फंक्शन आप बना के रख लीजिए और उन्हें कॉल कर, है ना। तो दोनों तरह के फंक्शन क्लियर है, एक फंक्शन जो रिटर्न नहीं करता है और दूसरा फंक्शन जो रिटर्न करता है। यस तो आपका कुछ असाइनमेंट है फंक्शन पे, आपको बनाना है एक ऐसा फंक्शन जो फैक्टोरियल रिटर्न करता हो। क्या रिटर्न करता हो? फैक्टोरियल। तो एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हम जो नंबर पास करेंगे, मान लो हमने पास किया कोई भी नंबर, उसका हमें फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। तो बना सकते हैं, सर फैक्टोरियल देखो फैक्टोरियल क्या होता है। हाँ अगर आपने मान लो यूजर ने दिया 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब जो भी नंबर दिया वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाएगा और मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो इधर क्या वैल्यू आएगी? तो अगर यूजर 5 एंटर करता है तो यू हैव टू प्रिंट व्हाट फैक्टोरियल ऑफ दैट 120। 120 अगर यूजर 6 एंटर करता है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो भी हो 720, तो वो प्रिंट कर देना। बताए यही यही बता दीजिए आप लोग, लॉजिक बता दीजिए तो असाइनमेंट कर देना। लूप लगाना होगा नीचे, लूप मल्टीप्लाई करते जाएगा। लूप लगाते हैं। आई की वैल्यू क्या दी हमने? कुछ भी दे दी। चलो यूजर से ही ले लेते हैं। किधर आई की वैल्यू? नहीं नहीं आई की वैल्यू हमें लूप ये लगाना तो है अभी ना। लूप के लिए आई लगाया। तो आई की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नाम से। मान लो यूजर ने डाला 5, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 5। फाइव फिर इधर कंडीशन देना है, कब तक लूप चलाना है? जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ही लूप चलता रहेगा। तो लूप में हम पहले देते हैं इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर देते हैं कंडीशन, और फिर हम देते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इधर हमें 5 से 1 तक जाने में क्या करना होगा? एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट करनी। आ गए इधर। अब हमें क्या प्रिंट करना है? फैक्टोरियल। देख वेरिएबल ले लिया हमने फैक्टोरियल या फैक्ट या जो भी ले, उसमें वैल्यू डाल दी 0। फिर हमने लिखा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इन टू नम लगा दो फैक्ट इन टू इधर 1 1 कर देता हूं ना, वन तो 1 × 5 फैक्ट में क्या आ जाएगा? 5। मान लो यूजर ने 5 दिया, नम में 5 है सपोज। फिर लूप चलेगा आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू क्या हो गई? 4। ये आई की वैल्यू नम से इनिशियलाइज थी, नम की वैल्यू 5 थी, नम की वैल्यू 5 थी तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 4। फिर इधर आएंगे, 4 क्या बड़ा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यस। इधर फैक्ट के अंदर क्या था? 5। 5 × 4 सॉरी 5 ×, हाँ बिल्कुल सही, 5 × 4। तो 4 कैसे आएगा? इधर आई करो ना तब तो 4 आएगा, आई की वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना। पहले शुरू से मैं फिर से लेके चलता हूँ। नम की वैल्यू है 5, आई में असाइन हुई, हमने चेक किया कि 5 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ है। इधर आए फैक्ट में है 1, 1 × 5 फैक्ट में क्या स्टोर हो गया? 5। फिर इधर गए ऊपर,
आई की वैल्यू रिड्यूस हो गई यानी 4 हो गई। आई माइनस माइनस का मतलब आई की वैल्यू 1 से कम हो गई यानी 1 डिक्रीज हो गया उसमें से, तो हो गया 4। क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? हाँ है। तो इधर 5 इंटू 4 फैक्ट में क्या आ गया 20। फिर इधर गया रिड्यूस हो गया आई की वैल्यू हो गई 3। 3 क्या इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? हाँ है। तो 20 इंटू 3 कितना हुआ फैक्ट में 60। फिर 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? हाँ है। तो 60 इंटू 2 120। फिर आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? हाँ है। तो 120 इंटू 1 कितना हो गया 120। अब 0 हो गया, 0 तो नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो लूप से बाहर, यानी फैक्ट की वैल्यू हो गई 120। और इधर से हम क्या कर देंगे, फैक्ट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। सर यहाँ i greater than equal to 2 भी रख सकते हैं क्योंकि फैक्ट को तो हमने 1 इनिशियलाइज कर ही दिया है, 1 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं दोबारा। देखो एक प्रोग्राम को आप जितने चाहो तरीकों से बना सकते हो, तो ये मैंने एक लॉजिक बताया, जो ही नहीं है कि ये हार्ड कोड आपको याद ही रखना है, ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं एक ही काम को करने के, ठीक है। तो इसको अब कॉल करना है, कॉल कैसे करोगे, मैंने फैक्ट कॉल किया फैक्टोरियल फंक्शन और इधर से पास कर दिया 5। तो हमने क्या किया, इधर से कॉल किया फैक्टोरियल फंक्शन, तो ये 5 वैल्यू किधर को जाएगी, इस नाम को जाएगी, और बाकी सारे प्रोसेस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब फैक्टोरियल जब कॉल करोगे तो आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटीजर। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लिया, स्टोर कर लिया, और जब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, फैक्टोरियल इज समथिंग, और इधर परसेंट डी, इधर रिजल्ट, ठीक है। लाइन चेंज करनी है तो लाइन भी चेंज कर दो। हाँ तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो इट विल प्रिंट फैक्टोरियल इज 120, बाकी के प्रोग्राम नीचे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, और आप देख सकते हो एवरेज के केस में भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यानी कि आप फंक्शंस बना सकते हो इजिली, जितने चाहो उतने फंक्शंस बना सकते हो। फंक्शंस क्या है, फंक्शन रीयूजेबल कोड आप बोल सकते हो, रीयूजेबल कलेक्शन ऑफ कोड्स। बहुत सारे कोड्स हैं, आप उनको क्या करो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक फंक्शन में डाल दो, और जब जब आपको उस वो सारे कोड रीयूज करने हो आप कॉल करते रहो फंक्शन को। तो ये हमने कॉलिंग की है फंक्शन की, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन बनाने का मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन डेफिनेशन, दैट्स अ करेक्ट वर्ड। इधर हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है और इधर फंक्शन को कॉल कर दी। यहाँ कुछ कुछ टर्म्स यहाँ आपको ध्यान रखने हैं, फंक्शन डेफिनेशन तो समझ गए, पैरामीटर्स, और इधर क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। दीज वेरिएबल्स आर पैरामीटर्स, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। अभी कितने पैरामीटर है फैक्टोरियल के पास, एक पैरामीटर, एक वेरिएबल है तो एक पैरामीटर। इस फंक्शन के पास कितने पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स, तो यानी 2 वैल्यू ही एक्सेप्ट कर सकता है जब इसको कॉल किया जाए। तो हम देखो इधर तो हमने कॉल किया था सम फंक्शन पे, 2 वैल्यू पास करते, ये कमेंट होता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली फंक्शन, और इस फंक्शन में हमने क्या किया, फंक्शन बनाना सीखा, एंड वी हैव कॉल दैट फंक्शन, हमने फंक्शन की कॉलिंग भी सीखी। अब देखो इधर क्या होता है कि बहुत सारे काम हमें फ्रिक्वेंटली करने होते हैं, बहुत सारे टास्क हमें फ्रिक्वेंटली करने होते हैं, तो उस केसेस में क्या है, सी प्रोग्रामिंग या बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारे पास हैं, ठीक है, मार्केट में, वो सब क्या करती हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी हमें देते हैं। बिल्ट इन का मतलब कुछ बने बनाए फंक्शंस, आप उनको बस कॉल करो आपका टास्क हो जाएगा। तो यानी कि वो भी फंक्शन बनाएंगे तो इस रूल को फॉलो करेंगे, 2 टाइप के वो फंक्शन बना सकते हैं, एक तो रिटर्न करने वाले और एक नहीं रिटर्न।
तो जो नहीं रिटर्न करने वाले होंगे वो वॉइड वाले होंगे, और जो फंक्शन रिटर्न करते होंगे वो कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप कंटेन करते होंगे। ठीक है, तो मान लो हमें कोई बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करना है और वो रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो रिटर्न नहीं करता है तो हमें क्या करना होगा, वो उसे कॉल कर देना होगा, इधर रिसीव नहीं करना होगा वैल्यू। ठीक है, और फंक्शन रिटर्न करता है तो हमें पता लगाना होगा रिटर्न टाइप क्या है, और रिटर्न टाइप पता लग गया तो उसका एक वेरिएबल बना देना होगा कि फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसे मैं स्टोर कर लूंगा और प्रिंट कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन को कैसे यूज किया जाए। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है रेडीमेड फंक्शन, यू कैन से इन अ लेमैन टर्म बिल्ट इन फंक्शन, और जो हमने बनाए उनको, उन फंक्शन को क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और ये प्री डिफाइंड। बिल्कुल सही, हमने क्या बनाना सीखा था, हमने अपने खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए। और इसे हम बोलेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन। तो आपको सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन मिलेंगी जिनको आप यूज कर सकते हो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आपको मैथमेटिकल कोई ऑपरेशंस करने हैं तो एक हेडर फाइल दी गई है जिसका नाम है math.h। ठीक है, math.h यानी हेडर फाइल जनरली होती क्या है, हेडर फाइल आर दोज विच कंटेन सो मैनी फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशंस, बहुत सारे फंक्शंस के डेफिनेशंस को कंटेन करती है, यानी बहुत सारे फंक्शन उसमें प्रेजेंट होते हैं, आप उनको कॉल करो और आप यूज करो। तो जब भी हम किसी हेडर फाइल के फंक्शंस को यूज करते हैं तो वी मस्ट इंक्लूड दैट। ठीक है, तो हमने इंक्लूड किया, और जैसा कि हम प्रिंटएफ यूज करते हैं तो हम प्रिंटएफ के लिए कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं, stdio.h। ठीक है, तो फिलहाल हम math.h को यूज करेंगे। math.h के अंदर कुछ फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस, जिनमें से एक फंक्शन है जिसका नाम है sqrt। sqrt नाम से ही क्लियर है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि आप मान लो आपने एक यूजर से नंबर लिया। ठीक है, नंबर क्या लिया, सपोज यह नंबर ऐसे ही ले लिया, सपोज फ्लोट, लेट्स टेक अ नंबर हार्ड कोड। ओके, मैंने लिया 3, 9, स्क्वायर रूट में क्या पास कर दिया, नहीं। ये स्क्वायर रूट फंक्शन क्या आपने बनाया, नहीं बने। ये किधर है, इसका डेफिनेशन math.h के अंदर। इसका रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप होता है डबल। क्या होता है, डबल। डबल जो है इट इज अ बिग ब्रदर ऑफ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में आप रियल वैल्यू स्टोर करते हो ना, तो डबल में लार्ज रियल वैल्यू स्टोर करते। हाँ, इधर कर लिया हमने रिजल्ट, यानी स्क्वायर रूट का रिजल्ट हमें इधर मिल जाएगा, sqrt रिजल्ट। यानी ये स्क्वायर रूट जो फंक्शन बनाया गया होगा तो उसका रिटर्न टाइप क्या रखा गया होगा, डबल, राइट। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा स्क्वायर रूट को तो क्या प्रिंट होना चाहिए, अब इसका रिटर्न टाइप डबल है तो क्या लेना पड़ेगा, परसेंट एफ। ठीक है, तो इधर से लिख दिया sqrt रिजल्ट। इसे रन करके देखते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, लिख दिया बिल्ट इन फंक्शन .c और इसको रन किया, तो देखो क्या मिला हमें, 3.6 times 0। ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यानी कि हमें स्क्वायर रूट जब भी यूज करना होगा तो वाई मेक फंक्शन, क्यों बनाओगे फंक्शन जब आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है तो, राइट ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं जो math.h के अंदर है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास पावर, pow। pow लिखते ही देखो, इधर बताया है कि pow का रिटर्न टाइप क्या है, डबल।
और ये कितने पैरामीटर ले सकता है, दो एक्स एंड वाई, है ना, डबल टाइप के पैरामीटर ले सकता है। तो इधर मैंने पास किया टू थ्री, अभी टू और थ्री को क्यों एक्सेप्ट कर ले रहा है, टू और थ्री डबल तो नहीं है, ये इंट है, तो वाई इट इज एक्सेप्टेड, टू इज, तो टू इज ए इंट और इधर पैरामीटर में डबल है। एनी वन, राधा, समीर, why two is accepted in double? डबल के अंदर उसको टू पॉइंट समथिंग कंसीडर कर सकते हैं ना, वो वैल्यू तो वही रहेगी उसकी। तो देखो डबल इज ट्रीटेड एज लार्जर डेटा टाइप कंपेयर देन इंटीजर। तो इंट जो है, इंट का डेटा किसमें प्रमोट हो सकता है, डबल में हो सकता है, इंट का डेटा फ्लोट में भी प्रमोट हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर वगैरह नहीं है। तो इधर क्या करना है हमें, ये भी आपको रिटर्न क्या करेगा, डबल। तो मैं सॉरी, अब इधर प्रिंटएफ फंक्शन जो है, मैंने डायरेक्टली प्रिंटएफ में ही क्या लिख दिया, पावर ऑफ टू एंड टू ऑफ थ्री इज परसेंट एफ, ठीक है, यानी मैंने वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया, डायरेक्टली प्रिंट करा दिया मैंने, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आईडी के हिसाब से देखते हैं, नहीं चलिए मैं टेबल सी एफ भी चल जाएगा, ठीक है, सेव किया और इधर कर दिया हमने, क्या रन करके देखते हैं, इधर न्यू लाइन दे देता हूँ कि लाइन चेंज होकर रिजल्ट आएगा। तो मुझे देखो मतलब पावर ऑफ टू ऑफ थ्री इज 8.0, ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए तो 0.1, इधर भी 0.1, ठीक है, तो हमारा काम सक्सेसफुली हो रहा है। एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है राउंड अप फंक्शन, है जिसका नाम होता है राउंड अप। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग शॉप पे गए, यू हैव टू पे समथिंग, आपने सपोज आपको पे करना है 5 रुपीज 60 पैसा, ओके, तो आप या तो 6 रुपीज पे कर देते हो या आप 5 रुपीज पे कर देते हो, ठीक है। तो राउंड ऑफ भी दो तरह के होते हैं, एक सील राउंड ऑफ होता है और एक फ्लोर राउंड ऑफ होता है, ठीक है, तो हम राउंड ऑफ भी निकाल सकते हैं। हमने कहा सील राउंड ऑफ, ये क्या होता है समझाता हूं मैं। सील राउंड ऑफ का मतलब मैंने लिखा सील और इधर लिखा मैंने 5.7, ठीक है, तो सील का मतलब क्या होता है टॉप, ठीक है, तो आपको जो डेटा मिलेगा 5.7 का वो टॉप यानी 6 मिलेगा, 6 राउंड ऑफ। फ्लोर का मतलब बॉटम, यानी आपको 5.7 का फ्लोर क्या मिलेगा, फ्लोर राउंड ऑफ 5 मिलेगा, गॉट इट। क्या हो, कुछ दिक्कत है, अच्छा इधर लिखा था फ्लोर, रन किया ये ऐसे आया। मैं एक काम करता हूँ, इसको न्यू लाइन दे देता हूँ जिससे लाइन चेंज हो जाए, रन किया, ठीक है, इधर भी एक न्यू लाइन देना था ना, लेट्स टेक। तो देखो हमारे आउटपुट मिल गया, सील राउंड ऑफ क्या मिल रहा है हमें, फ्लोर राउंड ऑफ, तो ये क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बस कॉल करना है आपको, बनाना नहीं है फंक्शन।
तो दोनों तरीके के फंक्शन आप सीख रहे हो कि फंक्शंस को अगर बनाना पड़े तो कैसे बनाना है, और फंक्शंस अगर बिल्ट इन है उन्हें यूज करना है तो कैसे यूज, उनका रिटर्न टाइप आपको पता करना है और उनको कॉल कर देना है। जिस टाइप का रिटर्न टाइप है उसी टाइप का वेरिएबल ले लो, रिसीव कर लो डेटा रिजल्ट और उसे चाहो प्रिंट कराना प्रिंट करा। ठीक है, तो इस चीज में किसी को डाउट है? यह कोई क्वेश्चन है? गॉट इट, मेक सेंस? यस सर। ओके, तो इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ओके सर।